हाय एवरीवन, ये माइक्रोकंट्रोलर सीरीज का फोर्थ पार्ट है। प्रीवियस वीडियोस में हमने उसका आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम डिटेल में डिस्कस किया है, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम 8051 की इंटरनल रैम को डिस्कस करेंगे, ऑन चिप रैम को डिस्कस करेंगे। इस रैम में हमारे पास बिट और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, रजिस्टर बैंक्स हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी हैं। तो 8051 के पास टोटल 256 बाइट की मेमोरी है, यानी 00 टू FFH। इसमें से जो पहली 128 बाइट्स हैं, यानी 00 टू 7FH तक की मेमोरी है, इस मेमोरी में चार रजिस्टर बैंक्स हैं, कुछ बिट एड्रेसेबल मेमोरी है और कुछ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। और 80 टू FFH तक जो इसकी 128 बाइट की रैम है, इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, हम उसको बोलते हैं SFRs। तो जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, वो डायरेक्ट एड्रेसिंग से हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो लोअर पार्ट ऑफ रैम है, यानी 00 टू 7FH की जो इंटरनल रैम है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग दोनों मोड्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लोअर 128 बाइट ऑफ मेमोरी, यानी 00 टू 7FH। अब इस 00 टू 7FH में 00 टू 1FH जो मेमोरी है, ये चार रजिस्टर बैंक्स के लिए अलॉटेड है। हर बैंक में आठ रजिस्टर्स हैं, R0 टू R7। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे रजिस्टर्स के नाम एक जैसे हैं, यानी हमारे पास चार R1 रजिस्टर्स हैं, चार R0 रजिस्टर्स हैं, चार R2 और चार R4 एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब सारे रजिस्टर्स के नाम सेम हैं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं इन रजिस्टर्स को। तो एक्चुअली एट ए टाइम से एक ही रजिस्टर बैंक है, वो सिलेक्ट होता है, और उस बैंक का सिलेक्शन जो है वो एक PSW रजिस्टर से हम करते हैं, जिसको हम कमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर 20 से 2FH तक की मेमोरी जो है, वो बिट एड्रेसेबल मेमोरी है। बहुत सारे माइक्रोप्रोसेसर्स हैं, जैसे 386 हो गया, पेंटियम हो गया, इसमें जब IO पोर्ट्स या रजिस्टर्स से हम एक्सेस करते हैं डेटा, तो वो बाइट वाइज डेटा एक्सेस होता है। यानी अगर हमें किसी बिट पे काम करना है, किसी सिंगल बिट को IO पोर्ट की से मुझे चेक करना है, तो पहले मुझे पूरी पूरी बाइट मुझे रीड करनी पड़ेगी, और फिर कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके मुझे उसमें से सिंगल बिट को निकालना पड़ेगा। लेकिन 8051 के साथ ऐसा नहीं है, और ये 8051 का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें हम IO पोर्ट्स को और इंटरनल रैम को हम बिट वाइज भी एड्रेस कर सकते हैं, यानी बिट रिलेटेड ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। तो यहां हमारे पास कितनी बिट एड्रेसेबल मेमोरी है, 202 2FH, यानी टोटल 16 बाइट्स, यानी 128 बिट्स। यानी 8051 में हम 128 बिट्स पे बिट वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, जो है 30 से 7FH तक। तो ये हो गया हमारा लोअर 128 बाइट्स का डिटेलिंग, 00 से 7FH तक। अब नेक्स्ट 128 बाइट्स जो हैं, जो SFRs के लिए अलॉट की हुई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो SFRs स्टैंड फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो है 80 से FFH तक की रैम लोकेशंस पे। तो टोटल 128 बाइट्स जो है वो SFR के लिए अलॉट की हुई हैं, लेकिन 8051 सारी 128 बाइट्स यूज नहीं करता। तो लेट्स सी SFRs हम कौन कौन से यूज करते हैं 8051 में। तो सबसे पहले है 80 टू 87H, लोएस्ट 8 बाइट्स। यहां पे हमारे पास है पोर्ट P0 की बाइट, स्टैक पॉइंटर दैट इज SP, फिर डेटा पॉइंटर्स DPL एंड DPH,
और फिर क्या है PCON रजिस्टर, इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट पावर रिडक्शन मोड्स को कंट्रोल करने के लिए जो कि 8051 में अवेलेबल है। फिर 88H ऑनवर्ड्स टाइमर रिलेटेड रजिस्टर्स हैं, जैसे TCON है वो टाइमर ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए है, TMOD है वो टाइमर के मोड्स के लिए है टाइमर 0 और टाइमर 1 के, TL0 TL1 है वो टाइमर 0 और टाइमर 1 की लोअर बाइट्स हैं, TH0 TH1 जो है वो टाइमर की 1 और टाइमर 0 की हायर बाइट्स हैं। क्योंकि दोनों टाइमर्स 16 बिट टाइमर्स हैं इसलिए हमको 2 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है P1 रजिस्टर, P1 रजिस्टर है 90H पे जो पोर्ट P1 के कंटेंट्स को स्टोर करता है। उसके बाद 98 और 99H पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए रजिस्टर्स हैं, SCON एंड SBUF। उसके बाद हमारे पास है पोर्ट P2 और पोर्ट P2 के बाद है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर जो इंटरप्ट की मास्किंग के लिए है। फिर हमारे पास है पोर्ट P3 रजिस्टर और फिर है IP यानी इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर जो इंटरप्ट की लो या हाई प्रायोरिटी को सेट करता है। फिर हमारे पास है PSW रजिस्टर विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और ये यूज करते हैं फ्लैग्स के लिए है और रजिस्टर बैंक्स के सिलेक्शन के लिए। और लास्ट में हमारे पास है रजिस्टर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी। अब हम इन सारे रजिस्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम शुरू करेंगे रजिस्टर बैंक से। तो 8051 में टोटल 32 बाइट्स जो हैं रैम की वो रजिस्टर बैंक्स और स्टैक के लिए रखी हुई है और इस 32 बाइट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 4 बैंक्स में डिवाइड कर दिया और हर बैंक में 8 रजिस्टर्स हैं R0 to R7। तो जो फर्स्ट बैंक है बैंक 0 वो शुरू होता है 0th लोकेशन से और वो है 7H लोकेशन तक जिसमें R0 होगा 0th लोकेशन पे, R1 होगा 01 लोकेशन पे, R2 है 02 लोकेशन पे और इस तरह वी रीच अप टू 07H। सेकेंड रजिस्टर बैंक है बैंक 1, वो है 08H से और वो होता है 0FH तक। तीसरा जो रजिस्टर बैंक है वो शुरू होता है 10H से और वो है 17H तक और लास्ट जो बैंक है वो है 18H से 1FH तक। ठीक, बैंक 0 जो है वो डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक है यानी व्हेन यू स्विच ऑन द पावर या हम रीसेट करते हैं तो रजिस्टर बैंक कौन सा सिलेक्ट होता है, वो सिलेक्ट होता है बैंक 0। अगर हमें कोई और रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करना है बैंक 0 के अलावा तो वो हमको करना पड़ता है PSW के थ्रू, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। उसकी D4 और D3 जो बिट है वो डिजायर्ड रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट कर लेती हैं तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो ये है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर जो कि है D0 लोकेशन पे रैम की और ये जो रजिस्टर है ये यूज करते हैं फ्लैग्स के लिए और इसी रजिस्टर को यूज किया जाता है रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। PSW रजिस्टर 8 बिट का है लेकिन इसकी सिर्फ 6 बिट जो है वो यूज कर रहे हैं, 2 जो अनयूज्ड बिट्स हैं वो यूजर डिफाइंड फ्लैग्स की तरह यूज करते हैं यानी यूजर उसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता है। इसमें 4 फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स को बोलते हैं कंडीशनल फ्लैग्स यानी वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही वो सेट या रीसेट होते हैं। इन फ्लैग्स के नाम है कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और ओवरफ्लो। जब भी D7 बिट पे कैरी आता है तो ये कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। हम इसको डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं सेट बिट कैरी और क्लियर कैरी से। ठीक, उसके बाद हमारे पास है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। जब भी D3 टू D4 कैरी आता है कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन में तब ये बिट सेट हो जाती है, अदरवाइज ये बिट
क्लियर्ड रहती है और इसको नॉर्मली बीसीडी ऑपरेशन में यूज किया जाता है। तीसरा फ्लैग है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग बताता है कि एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट हैं उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है, और अगर इवन है तो पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। लास्ट में हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग। ये फ्लैग जब भी साइंड ऑपरेशन करते हैं तब इस फ्लैग को यूज करते हैं और तब ये सेट हो जाता है। नॉर्मली कैरी फ्लैग जो है वो अनसाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन में एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और ओवरफ्लो फ्लैग हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमको साइंड ऑपरेशन में एरर डिटेक्ट करना हो। PSW रजिस्टर की जो थर्ड और फोर्थ बिट है 0.3 एंड 0.4 वो रजिस्टर बैंक्स के लिए यूज होती है। उन बिट्स को बोलते हैं RS0 एंड RS1, और जब इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं तो रजिस्टर बैंक जो है चेंज हो जाता है। जैसे इसकी वैल्यू अगर 00 है तो पहला रजिस्टर बैंक शुरू होता है, सिलेक्ट होता है रजिस्टर बैंक 0, फिर रजिस्टर बैंक 1 फॉर 01, 2 फॉर 10, और अगर RS1 RS0 की वैल्यू 11 कर देंगे तो थर्ड रजिस्टर बैंक जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। हमने इस वीडियो में लोअर 128 बाइट की रैम को डिस्कस किया है, और साथ में ही हमने एक SFR PSW को डिस्कस किया है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को, क्योंकि ये रजिस्टर जो है ये रजिस्टर बैंक के सिलेक्शन में यूज होता है। बाकी SFRs हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे रैम आर्किटेक्चर वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्टेक 2018 फॉर मोर सच वीडियोज, एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज टू बी एन एक्सपर्ट इन माइक्रो कंट्रोलर 8051। थैंक यू।